स्वागत है आपका प्रिंस कुमारी ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज ना मैं ब्लॉग लेट बना रही हूँ, पूरे दिन भर बिजी हो रही थी, दिन में ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल पाया। इस चक्कर से ना मैं आज नाइट वाला ब्लॉग बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉग कुछ नहीं बनाया है तो थोड़ा सा गोल्डन कलेक्शन वाला ब्लॉग बनाती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को अपना गोल्डन कलेक्शन कैसा है करके। ये है ना मेरे गोल्डन कलेक्शन की पोटली, इनमें क्या क्या है करके दिखाती हूँ आप लोगों को खोल के। मैं देखना आप लोगों को कैसा लगता है मेरा गोल्डन कलेक्शन। मैं ना अभी आप लोगों को दिखाऊंगी अपना गोल्डन कलेक्शन। और मेरे पास ना स्टैंड तो है नहीं वीडियो बनाने के लिए, तो ऐसे ही अपने फ़ोन को अटकाऊंगी, दिखाऊंगी अभी अटकाने के बाद आप लोगों को, फिर आगे की वीडियो बनाऊंगी इसमें अपना गोल्डन कलेक्शन। आप लोग तब तक मेरे साथ ऐसे ही बने रहो। मैं ना आप लोगों को अपना गोल्डन कलेक्शन दिखा रही हूँ। देखो सबसे पहले ये है मेरा मंगलसूत्र। सबसे पहले ना शादी में ये मंगलसूत्र ही पहना जाता है। ये वाला मंगलसूत्र ना मिस्टर जी ने ही पहनाया था मेरे को अपने हाथों से। ये दिखा रही हूँ, देखो डिब्बे में से निकाल दिया मैंने, कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना प्यारा है, लॉकेट भी अच्छा है। देखो मेरे को ना ये वाला मंगलसूत्र बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसकी पाइयाँ भी बड़ी हैं, बहुत अच्छा है ये वाला ना मेरा 24 कैरेट का है, अच्छा है एकदम। दिखाती हूँ आप लोगों को, पहन के भी दिखा देती हूँ, बहुत टाइम से पहना भी नहीं है ना। ये मैंने पहन लिया, पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लग रहा है, दुपट्टा निकाल लेती हूँ ना। ये देखो पहन लिया मैंने, पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है ये, देखो ये कितना सुंदर है ना, थोड़ी देर पहने रहती हूँ इसको। इस डिब्बे के अंदर ना मेरा कुमारनी जेवर नथ है। ये ना शादियों में सबसे ज़्यादा माना जाता है कि लड़की को ये ज़रूरी पहनना होता है। तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को अपनी नथ खोल के कैसे ये करके। मैंने ना डिब्बे में से अपनी नथ निकाल दी है, देखो ये इतनी प्यारी है, मैंने ना छोटी छोटी बनवाई थी, मेरे को छोटी बहुत अच्छी लगती है ना, एक मोर वाली बनवाई थी, बहुत अच्छी है मेरी नथ, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मेरी सिस्टर के लिए भी ऐसी बना रखी है ना सेम, हम दोनों की एक सी है, अच्छी लगती है मेरे को। और नाक में पहन के भी दिखाती हूँ आप लोगों को ऐसे, देखो इसको ना ऐसे पहनते हैं, देखो ऐसी लग रही थी ना मैं नथ पहन के, देखो इतनी अच्छी है मेरी नथ, इतनी प्यारी, देखो अब मैं ना आप लोगों को अपना मांग टीका दिखा रही हूँ, इसको निकाल के दिखा रही हूँ डिब्बे में से कैसा है करके। ये है मेरा मांग टीका, ये देखो पूरी अच्छे से, देखो कितना अच्छा है, इसको भी ना ऐसे पहनते हैं, देख मैंने पहन लिया है, कैसा लग रहा है बताना करके आपको। देख मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है, आजकल ना एक नए जैसे डिजाइन में चला है, कहीं ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे का चला चले, मेरे को वाला अच्छा नहीं लगता है, ये वाला बना रखा है मैंने पुराने मॉडल में, बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये। अब मैं ना आप लोगों को अपने कान के झुमके दिखा रही हूँ। ये है मेरे कान के झुमके, देखो ये ना टोकरी वाले हैं, ये ना मेरे को अच्छे लगते हैं, मैं कभी कभी पहनती हूँ इनको, जैसे कभी कुछ फंक्शन हो, कभी कहीं शादी आदि में जाना हो तभी पहनती हूँ इधर उधर जाने के लिए, वरना भारी है ना मेरे कान में, छोटे से हैं देखो, इतने छोटे कान हैं, भारी लगते हैं कानों में, छोटे से पहन रखे हैं मैंने, इतने छोटे जो दूर से देखने में दिखाई भी नहीं देते, इतने छोटे झुमके पहन रहती हूँ मैं, ज़्यादा बड़े नहीं पहनती हूँ ना, छोटे वाले टॉप्स पहन रहती हूँ ये। इस वाले डिब्बे में ना ये मेरे मिस्टर जी की रिंग है, हमारे यहाँ ना जब बारात आके दुल्हन के आंगन में प्रस्थान करती है तो उसके बाद ना दुल्हन के पिता पहनाते हैं दूल्हे को ये वाली अंगूठी, तो मिस्टर जी को ना ये वाली अंगूठी मेरे पापा ने पहनाई थी मिस्टर जी के हाथ में, दिखा रही हूँ मिस्टर जी की अंगूठी कैसी है करके आप लोगों को। ये है ना मेरे मिस्टर जी की रिंग, दिख रही है या नहीं आप लोगों को, ये देखो अच्छे से देख लेना सब लोग,
ये देखो इतनी अच्छी रिंग है मेरे मिस्टर जी की। इस डिब्बी के अंदर ना मेरी नाक में पहनने वाली नोज है, दिखा रही हूँ आप लोगों को। यह देखो ये छोटी सी नोज है, दिखाई दे रही नहीं। एक तो मैंने नाक में पहन रखी है ना ये वाली, एक संभाल के रखी हुई है, दो है ना। मैंने ना आप लोगों को अपना गोल्डन कलेक्शन दिखा दिया है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं चांदी कलेक्शन की ओर। अपने ना चांदी के आभूषण दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये है ना मेरा चांदी कलेक्शन, ये देखो मेरी चांदी की पायन है शादी के दिन की। ये देखो ये चौड़ी वाली पायन है ना, मेरे को ना शादी में चौड़ी वाली पायल बनवानी थी, तो मम्मी लोग ने ना मेरे लिए ये चौड़ी वाली पायल बनवाई थी। देखो भारी है ना ये बहुत ज़्यादा, और डिजाइन भी अच्छी है। प्लेन वाली डिजाइन बनवाई थी मैंने ज़्यादा, वो झुमके वाली अच्छी नहीं लगती है ना। ये है मेरी शादी के दिन की पायल मायके वाली, और अभी मिस्टर जी की बनाई हुई भी दिखाऊंगी जो मिस्टर जी ने बनाई थी मेरे लिए। ये मायके वाली दिखा दी आप लोगों को मैंने, ये वाली पायल ना मेरे लिए मिस्टर जी ने बनाई थी। मिस्टर जी भी ना अच्छी पायल बना के लाए थे मेरे लिए। मिस्टर जी ने देखो ये हल्की झुमके वाली बनाई है, पर लेकिन ये वाली ना चौड़ी कम है, हैं ये भी अच्छी, बहुत अच्छी लगती है मेरे को। ये देखो ऐसे ऐसे करके कितने झुमके बज रहे हैं, अच्छी है ना, बहुत अच्छी है। आप लोगों को अच्छी लग रही है ना, देख लो, पसंद कर लो आप लोग भी जिसको जो चीज़ पसंद है। ये कितनी प्यारी पायल है ना, ये है ना मेरे चांदी के बिछिया, ये देखो दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। ये भी शादी के दिन के ही है मेरे, ये देखो एक जोड़ी तो ये हैं, ये वाले देख लेना आप लोगों को, नहीं देख दिखाई दे रहे नहीं कि सही से, देखो। और ये दूसरे वाले ऐसे में हैं, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं लिए थे मैंने। एक जोड़ी और थे कहीं आगे, ये देखो एक जोड़ी और हैं, ये वाले नहीं पहन रखे मैंने अभी। देखो ये और भी थे, पता नहीं कहाँ रखे हैं अभी, ज़्यादा ढूंढने का समय नहीं है ना, तब तक जितना मिला है वाला दिखा दिया मैंने आप लोगों को। मैंने ना आप लोगों को अपनी गोल्डन कलेक्शन और चांदी कलेक्शन दिखा दिया है, आप लोग में से ना कोई चोरी मत करना, बता दे रही हूँ पहले ही। और मेरे पास ज़्यादा तो कुछ है नहीं ना, जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। दिखा दिया मैंने आप लोगों को अपनी गोल्डन ज्वेलरी। मेरे पास ना जो जो नहीं है आप लोग दे देना मेरे को, थोड़ा थोड़ा सब कुछ, फिर मेरे पास ना सब कुछ हो जाएगा। ये है ना मेरी सारी, ये देखो गोल्डन ज्वेलरी और चांदी ज्वेलरी दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखो अच्छे से एक बार और देख लो सभी लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा गोल्डन कलेक्शन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी से पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।